याद करां जब तेरियां मीठियां बातां गिन गिन तारे कट दियां सोनियां रातां याद करां जब तेरियां मीठियां बातां अल्लाह हमारे साथ हैं संगीत पुत्र कैलाश खेर, बात कर रहे हैं उनसे। कैलाश जी छा गए हैं आप टीवी पर, लोग इंतजार कर रहे हैं फिल्म का, उसके बाद कैसा वो कैसा अनुभव? ये रूमी जाफरी की फिल्म है, अनु मलिक का म्यूजिक है और मैंने टाइटल गाना गाया था, तो वो गाना फिल्माया भी हम पर और हमको फिल्म का हिस्सा बनाया बाकायदे। और अक्षय खन्ना की फिल्म है और बहुत ही समसामयिक फिल्म है। इस वक्त का जो सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है देश के सामने वो करप्शन का है, और करप्शन के ही ऊपर ये बहुत ही सटायरिकल एक फिल्म है, बहुत ही कॉमेडी के एंगल से बनी है। और ये फिल्म तो इनकी 2 साल पहले से तैयार हो गई थी स्क्रिप्ट, और ये तो पिछले मतलब 2-4 महीने पहले ही एकदम इतनी आग बढ़ी करप्शन के शोर की, तो लेकिन ये फिल्म इन्होंने 2-3 साल पहले ही लिख ली थी और बहुत ही एप्ट समय पर आई है। जब हमारी एल्बम कैलाशा रंगीले आई है तभी ये गाना भी बज रहा है, तो इससे भी लोगों को काफ़ी कनेक्ट मिल रहा है। कि भ्रष्टाचार के बारे में आपसे सवाल करेंगे, लेकिन दर्शक इस जो टाइटल सॉन्ग है ये सुनना चाहते हैं। हाँ। कैलाशा कहीं से गली गली चोर है, गली गली चोर है, करप्शन 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 का शोर है, चोरों का जोर है, चोरों का जोर है, चोरों का जोर है, चोरों का जोर है, चोरों से बंधी हुई चोरों की डोर है, गली गली शोर है, गली गली शोर है, चोरों से बंधी हुई चोरों की डोर है, चोरों से बंधी हुई चोरों की डोर है, गली गली चोर है, गली गली चोर है, दिशा कोई भी हो लुटेरों का जोर है, दिशा कोई भी हो लुटेरों का जोर है, गली गली चोर है, गली गली चोर है। पर्सनली आपसे जानना चाहेंगे क्या गली गली चोर है? यस, गली गली में चोर है। आप इतने चोर हैं कि अपने मन में ही इतने चोर बैठे होते हैं कि मौका देख के हम सच बोलते हैं और मौका देख के झूठ, तो इसका मतलब मन में ही इतने चोर बिठाए हुए हैं मनुष्य ने। भ्रष्टाचार के बारे में आपका क्या? भ्रष्टाचार एक नीति है, एक नियत है, उसको अगर आप स्वच्छ करेंगे तो भ्रष्टाचार अपनी आत्मा से पहले हटाना पड़ेगा और तत्पश्चात आप आगे की। कला जी, हम एक इंटरव्यू में हम लोगों ने सुना था कि आप अन्ना हजारे से बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं, तो अन्ना हजारे के बारे में आप बताएं कि उनके बारे में आपकी क्या धारणा है? वो बहुत ही गजब इंसान हैं इस पृथ्वी पर। कुछ इंसान ऐसे आते हैं जो युग परिवर्तक होते हैं, और वो शायद युग परिवर्तक के रूप में आए हैं इस धरा पर, जिनका स्वयं अपने जीवन से कोई भी ऐसा नाता नहीं जुड़ा होता जिसके लिए उनकी आशाएँ महत्वाकांक्षाएँ अपेक्षाएँ जुड़ी हों। वो सिर्फ समाज और देश के लिए उत्पन्न होते हैं, तो उनमें से एक अग्रगण्य नाम है अन्ना हजारे। जिस प्रकार से आज देश आज़ाद है और हम और आप आज़ादी की सांसें ले पा रहे हैं, अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच भी हैं, फ्रीडम ऑफ लाइफस्टाइल भी है, इसके लिए भी किसी ने एक युग परिवर्तक ने जन्म लिया था जी। और इस प्रकार से हमारे देश को आज़ादी मिली और आज हम तो ये दूसरी आज़ादी समझ लीजिए लेने के लिए अन्ना हजारे एक उत्पन्न हुए हैं, जो मनुष्य को ये बता रहे हैं कि अपनी नीयत साफ करो तो करप्शन हटे। सबसे पहले इंसान ही हम हैं जिन्होंने उनके लिए गाना बनाया और गाया मंच पर जाकर। आओ मिलके साथ में आज के हालात में लाने हैं नए उजाले, बेहोशी की आदत के झूठ की इबादत के आंखों से हटाओ जाले, अब जागो तो सब जागो,
अब जागो तो सब जागो। अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा। गाना गाते हैं तो उस वक्त आप गाने में पूरा समा जाते हैं, और सबसे बड़ा कारण है कि यही कैलाश का मंत्र जो है उठता है कि अगर आप एक गाना गाएं तो उसमें बिल्कुल समा जाएं, बिल्कुल आप समा जाते हैं गाने में। इस पूरे मैटर में क्या कहते हैं? इसमें ये विशेषता शायद हो सकती है कि हमने क्योंकि सीखा नहीं है संगीत, हमने सुना बहुत है, और हम जो हैं वो कोरे हैं, तो कोरे होंगे तो अपने ही जैसे होंगे, तो शायद हम अपने ही जैसे हैं, सधुकड़े हैं और अपने मस्ती मौला हैं मस्ती के, उसी चक्कर का शायद एक प्रतिबिंब है ये। जी हम तो इन्हीं सब चीज़ों से तो पले बड़े हैं, हमने जीवन की सांसें ली हैं यही सूत्र पर सीख सीख कर। मेरे पिताजी बताते थे कि बेटे उन्नतिशील देश नहीं होता धन के भरे खजानों से, उन्नतिशील देश नहीं होता टैंक टॉप विमानों से, उन्नतिशील देश होता है उन्नतिशील नौजवानों से। अगर आपके अंदर कुछ नौजवान विचार होते हैं जिनमें थोड़ा क्रांतिकारी विचार हों, प्रोग्रेसिव माइंड अगर है, तो उससे आपका जीवन जो है वो उन्नतिशील होता है, और देश भी उन्नतिशील होता है, समाज भी उन्नतिशील होता है। तो यही सब चीज़ें हैं, कहावतें सुन सुन के हमारा जीवन बढ़ा है। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा। हमारे साथ हैं संगीत पुत्र कैलाश खेर। कैलाश जी, दर्शक जानना चाहते हैं जीवन का मंत्र, आप बताइए कैसे जिया जाए। जीवन का मंत्र यही है कि अपने आप से पहले मोहब्बत करिए। यदि आप छके होंगे तो आप किसी को ऑफर कर सकते हैं खाने को, अगर आप ही खाली हैं तो आप दुनिया में किसी को खाना नहीं खिला सकते। तो कृपया पहले अपने अंदर के मन को तृप्त करिए खुशियों से, ताकि आप खुशियां बांट सकें। सैया जो झूले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तुझ में गुम हो जाऊं। आपका कैलाश जी, आपका जो मन है वो बिल्कुल साफ है, ये आप कभी भी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े। तो जो ये जीवन जीने की जो शैली है वो कैसे किस तरह तैयार हुई? जी पता नहीं, कुछ लोगों को भगवान ही घड़ देते हैं अलग तरीके का बनाकर, तो शायद वही एक आनंद का असली स्वरूप है, और ये मेरे ईश्वर की कृपा है। ये प्रश्न उन्हीं से पूछा जाए, कारीगर से। मैं कारीगर नहीं हूँ, कारीगर ऊपर बैठे हैं। हम ना मिले तुमसे न जाने क्यों, मीलों के है फासले तुमसे न जाने क्यों। जो नेक्स्ट कार्यक्रम होगा उसमें रहेंगे हमारे साथ कुछ खास मेहमान, तब तक के लिए नमस्कार। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। ओ टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा के फिर जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा के फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे वो कहता रहा मगर, के अल्लाह के बंदे हंस दे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे जो भी हो कल फिर आएगा।